आ रहे तो उधर तो देखे कि रोड पर पड़ा हुआ है। फिर उसको टेम्पो मिला के अस्पताल ले गए। एक देखे कि यहाँ पे गोली लगा हुआ है, एक पीठ में लगा हुआ है। वहाँ बाइक वगैरह भी था? हाँ बाइक पे, ये बाइक पे बाइक इनका वहीं पे था। हाँ वहीं। नाम क्या है इनका? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जिस तरह से बिहार में पुलिस की का इकबाल खत्म और अपराधियों का हौसला बुलंद होते जा रहा है, ऐसे में भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार में जनता का राज है, लेकिन आए दिन जिस तरह की तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आती है, बिहार के किसी भी जिले में से ऐसी आपराधिक घटनाएं जो हैं वो निकलकर सामने आती है, ऐसे में सवाल उठता है क्या वाकई बिहार में सुशासन की सरकार है? क्या वाकई बिहार में अपराधियों का नहीं बल्कि जनता का राज है? दरअसल जो हालिया मामला है वो वैशाली से, जहां वैशाली में एसबीआई कर्मचारी के एसबीआई के तीन कर्मचारियों को अपराधियों ने तीन दहाड़े गोली मारी, जिसमें दो की जो है इलाज चल रही है, वहीं एक की मौत हो गई है। बता दें कि गोली लगने से एक की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरे दो एसबीआई के कर्मचारियों की इलाज जारी है। दरअसल वैशाली के करताहा थाना क्षेत्र के चांदी धनुषी में अपराधियों ने बैंक कर्मचारी को दो गोली मारी, जिसमें जो घायल कर्मचारी है उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल बैंक कर्मचारी की पहचान वैशाली के लालगंज ब्रांच के एसबीआई के फील्ड ऑफिसर अमर ज्योति के रूप में हुई है। हाजीपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है। बैंक कर्मचारी हाजीपुर के काजीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो अपने घर जो है बैंक से जा रहा था, तभी रास्ते में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मुख्य तौर से बैंक कर्मचारी का लोन संबंध कार्य फील्ड में करता है। गोली मारकर घायल करने का मुख्य कारण अभी पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस को घटना की सीसीटीवी फुटेज मिली है और नाकेबंदी कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दिया गया। तो देखिए हालिया मामला वैशाली का, जहां एसबीआई के बैंक कर्मचारियों को यानी तीन बैंक कर्मचारियों को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी, जिसमें दो की जो है दो का इलाज चल रहा है, तो वहीं एक कर्मचारी की घटने पर ही जो है मौत हो जाती है। अब ऐसे में तमाम जो बैंक के अलग कर्मचारी हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने जो बातें बताई हैं तमाम बातें आपको सुनावट में जा रहे होंगे तब ना गोली मारा था उन लोग था नहीं था हम लोग तो अभी किस जगह पर गोली मारा गया? कुछ नहीं जानते हम तो, हाजीपुर में थे। क्या नाम हुआ जिसको गोली? ऐसे नाम है लेकिन लोग राजा राजा पांडे पांडे नगर भटन। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश पांडे। फिर उसको टेम्पो मिला के अस्पताल ले गए। एक देखे कि यहाँ पे गोली लगा हुआ है, एक पीठ में लगा हुआ है। पीठ में लगा हुआ है? वहाँ बाइक वगैरह भी था? हाँ बाइक पे, बाइक बाइक इनका वहीं पे था। हाँ वहीं। नाम क्या है इनका? मालूम नहीं। आपका नाम? अजय। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी मालूम नहीं है। हम तो रोड पर देखे, हमारा घर लालगंज हुआ। अरुण पांडे। घर कहाँ हुआ? भटहंडे। भटहंडे थाना अभी नया हुआ है, काजीपुर। काजीपुर। अमर ज्योति नाम है इनका। क्या चीज करते हैं काम? स्टेट बैंक में है। स्टेट बैंक कहाँ? लालगंज। वही लगता है जा रहे थे नहीं? हाँ। बैंक में क्या है? बैंक में इनका फील्ड का काम है, लोन वगैरह ये सब का काम है। अच्छा अच्छा। स्टेट बैंक भी बोला? पहले तो हाजीपुर में थे, एक दो महीना पहले गए। आज क्या हुआ घटना कुछ चला? अब हम लोग तो हाजीपुर में थे, मालूम हुआ तो देखने आया है, देख अभी तक देखे नहीं देखे हैं। क्या हुआ मालूम? गोली लग गया है, हम धरफड़ धरफड़ में आ रहे हैं। ये कौन हुए आपके? हमारे ग्रामीण भतीजा लगता है। आपका नाम क्या हुआ? सुजीत कुमार पांडे। अरे हम भी फायरिंग का तो हम लोग गए, बहुत सारे वहाँ लोग बैठे हुए थे, मतलब जमा हुआ था, हम लोग देखे गिरे हुए थे, कुछ लोगों को फोटो बैठा है, हमारे जान पहचान के थे, तो उन लोगों ने कहा कि इसको अस्पताल ले। हम लोग देखे उनकी, चलो भाई पहले जान बचाए जो भी व्यक्ति है, तो हम लोग लेके चले। थाना को हम लोग कॉल करवाए तो वहाँ से कोई आदमी यहाँ से थाने रास्ते में बैठा है, तो हम लोग चले आए। किस जगह का? कौन सा जगह? कहाँ? धनुषी। धनुषी की। क्या है घटना? धनुषी डोम के घर के पास का ही घटना है।
किनको लगी गोली? ये जा रहे थे, अब इनका पता नहीं, हम लोग तो निकले घर पे जा रहे थे तो देखे कि गिरे हुए थे, तो हम लोग ले गए, अब इनका नाम पता हमको नहीं है। कितने लोग की संख्या में अपराधी थे कुछ पता नहीं? नहीं, हम लोग नहीं देखा। ये धनुषी डोम के घर के पास, धनुषी डोम के घर के पास।